मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ता और सहायिका को इस पे मान दिया जाता है। मेरे से पहले कई माननीय सांसदों ने यह बात को रखा होगा कि 8000 कार्यकर्ता को मानदेय और सहायिका को 4800 रुपये, इस मानदेय को वेतन में चेंज किया जाए और इनको इस मानदेय को बढ़ाया भी जाए, यानी 8000 रुपये और 4800 रुपये सहायिका, यानी बच्चों को घर से लाना और घर पे छोड़ना और कार्यकर्ता का होम विजिट करना। तो ये जो मानदेय है, मानदेय बहुत कम है, मानदेय को बढ़ाना चाहिए और एक मानदेय नहीं, इसको एक वेतन के रूप में इसको देना चाहिए। अभी जो आप एक वीडियो देखेंगे, ये संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड था उसके चर्चा के समय, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उसके अंतर्गत राजस्थान से बीजेपी के सांसद जो है वो महोदय बोल रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बताया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मानदेय काफी कम मिलता है, मानदेय न दे करके उनको वेतन मान दिया जाए और अभी के महंगाई के अनुसार जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उनको दिया जाए। साथ में आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या महत्ता है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। सबसे पहले आप उनका वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो में, चर्चा में, सदन में, सरकार के सामने, बीजेपी के ही सरकार के सामने जो बातें कही, क्या सरकार को माननी चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो में देखिएगा, अगर यूजफुल लगे कि हम उम्मीद करेंगे जितना हो सके वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य को भी संसद के बारे में उनको जानकारी मिल पाए। कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बिल के तहत इस देश के करीबन 27.41 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा बेनिफिट अगर किसी ने दिया है तो केंद्र की सरकार ने दिया है। सभापति जी, भारत में आंगनवाड़ी योजना की शुरुआत जब 1975 में की गई थी तब यह प्रमुख कार्यक्रम में से एक था, लेकिन यह धीरे धीरे यह पीछे चलता गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस कार्यक्रम में और गति दी और मैं समझता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी माताओं के स्वस्थ टीकाकरण और साफ सफाई, स्कूल की पूर्व बुनियादी शिक्षा देने का काम एक आंगनबाड़ी केंद्र कर रहा है। सभापति जी, 2020-21 के कोरोना काल के अंदर देश और दुनिया में जब कोरोना मचाया था तब आंगनबाड़ी केंद्र पर इसका सीधा प्रभाव पोषण पर पड़ा था। ऐसे में एक नया रास्ता निकालने की जरूरत पड़ी जिससे अधिकांश बच्चों को पोषण मिल सके, ऐसी सुविधाएं केंद्र सरकार ने प्रदान की। राज्यों ने तय मापदंड के अनुसार करीबन 4000 करोड़ रुपए कम राशि जारी, जो 4000 करोड़ रुपए राशि जारी किए थे उनको राज्यों ने अभी तक उपयोग नहीं किए। मैं कह सकता हूं कि 2018-19 में 565 करोड़ रुपए और 2019-20 में करीबन 1596 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार ने दी थी राज्यों ने उपयोग नहीं किए। जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा और होम विजिट करना कार्यकर्ता और सहायिका का प्रमुख काम है, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि कार्यकर्ता और सहायिका को इस पे मानदेय दिया जाता है। मेरे से पहले कई माननीय सांसदों ने यह बात को रखा होगा कि 8000 कार्यकर्ता को मानदेय और सहायिका को 4800 रुपये, इस मानदेय को वेतन में चेंज किया जाए और इनको इस मानदेय को बढ़ाया भी जाए, यानी 8000 रुपये और 4800 रुपये सहायिका, यानी बच्चों को घर से लाना और घर पे छोड़ना और कार्यकर्ता का होम विजिट करना। तो ये जो मानदेय है, मानदेय बहुत कम है, मानदेय को बढ़ाना चाहिए और एक मानदेय नहीं, इसको एक वेतन के रूप में इसको देना चाहिए। सभापति जी, कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता सहायिका है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहाँ पे जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका जाती है। तो फाइनली आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, तो प्लीज 2 मिनट रुकिए, मेरी बातों को सुन के जाइए। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें जो है
राजस्थान से बीजेपी के सांसद बोल रहे थे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, उन्होंने संसद में, लोकसभा में जो है मोदी सरकार के सामने, मंत्रियों के सामने स्पष्ट रूप से आंगनवाड़ी वर्कर, सेविका, सहायिकाओं की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वपूर्णता है, उनको बताया। उन्होंने क्लियरली कहा कि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो पूरे भारत में आंगनवाड़ी वर्कर, सेविका, सहायिकाओं को जो है मानदेय दिया जाता है, मानदेय भी इतना कम दिया जाता है, उससे ज्यादा पेमेंट तो एक मनरेगा मजदूर को मिल जाता है। यानी आंगनवाड़ी वर्कर जो है मजदूर के बराबर भी जो है उनको पैसा नहीं मिलता है, जबकि काम के इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया कि कोविड के समय में पूरे भारत में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार की जिम्मेदारियों और सरकार का काम बखूबी पूर्वक निभाया। जब अन्य कर्मी इस काम को करने को तैयार नहीं थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने घर घर जाकर सर्वे किया, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के लिए उपलब्धियां हासिल करके दिखाई। साथ में उन्होंने कहा कि मानदेय न दे करके उनको वेतनमान दिया जाए। वेतनमान का मतलब हर साल आपको जो है उस हिसाब से पैसा भी बढ़ेगा, आपको अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी, तो वेतनमान भी उस हिसाब से दिया जाए जिस हिसाब से अभी महंगाई चल रही है, ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो इतना महत्वपूर्ण काम करती हैं उनका भी गुजारा चल पाए, उनका भी घर अच्छे तरीके से चल पाए। तो फाइनली इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। आप किस राज्य से बिलोंग करती हैं, आपका जो राज्य में मानदेय कितना है, और वेतनमान अगर सरकार करती है तो कितना होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली उम्मीद है वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।